हेलो जी, सभी को मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर आ गए हैं हम आपके लिए एक घरेलू और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर, वो भी फटी हुई एड़ियों के लिए। क्या आप भी फटी हुई एड़ियों से परेशान हैं? क्या आप भी चाहते हैं सॉफ्ट और मुलायम एड़ियाँ? तो इसके लिए वीडियो फुल वॉच करें। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जी, हम यहाँ पे आज फटी हुई एड़ियों का इलाज बता रहे हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो जिसके लिए हमें चाहिए मोमबत्ती। तो जी हाँ, घर में सभी के ही होती है मोमबत्ती, बची हुई जो कैंडल होती है वो। तो मैंने यहाँ पे मोमबत्ती को कद्दूकस कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसे मोटा मोटा फोड़ भी सकते हैं, ऐसे ही चाकू के साथ भी कट कर सकते हैं। तो जितना हमने मोमबत्ती लिया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही लेना है हमें तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हो, नारियल का ले सकते हो, सरसों का ले सकते हो, बादाम का ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। मोमबत्ती को आप ऐसे भी डाल सकते हो, थोड़े मोटे मोटे टुकड़े कर, क्योंकि जब हम गर्म करेंगे इसे तो ये पिघल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमें चाहिए तीसरी चीज़ वो है एलोवेरा। अगर आपके पास घर में ही पौधा है तो आप फ्रेश वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी बढ़िया कंपनी का ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पौधा है तो मैंने उसी से ही निकाला है। तो आधा चम्मच तकरीबन निकाला है मैंने जो एलोवेरा का जेल है। इससे क्या होगा कि हमारी क्रीम है जो वो सॉफ्ट बनेगी। जैसे मोमबत्ती सूख कर ठंडा होने के बाद सख्त हो जाती है, तो जो तेल और जो हमने ये एलोवेरा जेल डाला है इससे क्या होगा कि हमारी क्रीम बिल्कुल ही सॉफ्ट बनेगी। तो इसे गैस पर रख देते हैं गर्म होने के लिए। आप कटोरी में भी रख सकते हो, किसी भी बर्तन में रख सकते हो। तो यहाँ पे इसे गर्म होने देते हैं। ज़्यादा तेज़ आँच नहीं की है, कम आँच पर ही करना है इसे। तो ये देखिए, यहाँ पे जो हमारी मोमबत्ती है वो पिघल चुकी है, तेल भी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अच्छी तरह से तीनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो इसे कुछ टाइम के लिए ठंडा किया है, उसके बाद डाल देते हैं एक शीशी में। तो यहाँ पे स्टोर करके रख देते हैं। इसे ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हल्का सा ठंडा हो चुका है ये, और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे हम ठंडा होने के लिए। फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्रीम हमारी अच्छी तरह से जो जम चुकी है, सेट हो चुकी है। तो चेक करके भी देख लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम बनी है हमारी। तो आप भी एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। तो इसका इस्तेमाल हमें रात को करना है। रात को पहले पांव अच्छी तरह से धो के सुखा कर उसके बाद ही इसे लगाना है। तो एड़ियाँ जितनी भी आपकी फटी होंगी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और इसे लगाने के बाद आप सॉक्स भी डाल सकते हो, क्योंकि कपड़ों में लग जाती है जैसे, तो उससे बचाव के लिए आप सॉक्स वगैरह, जुराबे वगैरह भी डाल सकते हो। तो एक ही दिन में आपको रिज़ल्ट काफ़ी देखने को मिलेगा। एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ऐसी ही वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।